डियर बॉयज एंड मदर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं हूं प्रेम और गाइस आज है हमारे साथ ऑल न्यू 2024 मॉडल यामाहा की ओर से आने वाली यामाहा R15 वर्जन 4। आप देख सकते हो ये गाइस इसका मेटेलिक रेड कलर है। पहले गाइस एक और रेड कलर आता था लेकिन वो उतना कुछ खास अच्छा नहीं था, मतलब मुझे पर्सनली उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा था। लेकिन इस बार जो ये कंपनी ने कलर लॉन्च किया ना, काफ़ी बेहतरीन कलर है। आप देख सकते हो इसका काफ़ी प्रीमियम सा फिनिश इसमें हमें दिया गया है। ये गाइस बेस वेरिएंट है, इसमें हमें क्विक शिफ्टर वगैरह नहीं देखने को मिलता है। ये जो आप देख सकते हो ब्लू कलर गाइस, इसमें हमें क्विक शिफ्टर वगैरह सारा मिलता है। तो गाइस हम आज इस गाड़ी के बारे में पूरा वॉक अराउंड देने वाले हैं, आपको पूरा डिटेल रिव्यू करने वाले हैं क्या कुछ 2024 में इसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं और कितना आपको इसका प्राइस रहने वाला है हमारे आरा में और कितना इस पर आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करें बाइक के फ्रंट से, तो फ्रंट में आप देख सकते हो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट वाइजर दिया गया है, साथ ही में यहाँ पे हमें एक नंबर प्लेट का सेक्शन दिया गया है और यहाँ पे हमें इसके फोल्डेबल मिरर देखने को मिलता है। पहले वाला गाइस जो वेरिएंट आता था उसमें हमें यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिलता था, लेकिन इस वेरिएंट में हमें यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे नीचे हमें यहाँ को इसके DRLs दिए गए हैं, साथ ही में यहाँ पे हमें इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। और गाइस इस बाइक में हमें हजार्ड का भी फंक्शन देखने को मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन में इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। और नीचे गाइस यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा फिनिशिंग में इसका बॉडी पेंट में मडगार्ड दिया गया है। बात की जाए बाइक के फ्रंट सस्पेंशन की, तो गाइस फ्रंट में यहाँ पे हमें KYB के फ्रंट में USB फोक्स देखने को मिलते हैं। पहले गाइस इसके सस्पेंशन गोल्डन कलर के आते थे, लेकिन अब 2024 लेटेस्ट वेरिएंट में गाइस कंपनी ने इसको ब्लैक कर दिया है। तो गाइस कुछ लोगों को ये पसंद आता है और कुछ लोगों को नहीं। मुझे गाइस पर्सनली गोल्डन कलर वाला भी काफ़ी अच्छा लगता है। और गाइस बात करें बाइक के टायर साइड की, तो फ्रंट में गाइस हमें 100/18-70 इंचेस के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। और इस बाइक के अंदर गाइस हमें डुअल चैनल ABS और डुअल डिस्क देखने को मिलता है। फ्रंट में गाइस वो हमें 282 mm का डिस्क साइज देखने को मिलता है विथ ABS। और यहाँ पे हमें वाइब्री का कैलिबर देखने को मिलता है। साइड से आप देख सकते हो गाइस कुछ उस तरीके का बाइक का लुक आने वाला है। काफ़ी मैसिव बाइक का लुक आ रहा है, काफ़ी प्रीमियम देखने में लग रही है और काफ़ी ह्यूज। साइड पैनल पे आप देख सकते हो गाइस पहले से इसका ग्राफिक चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ आता था R15 ब्लैक कलर से, अब यहाँ पे देख सकते हो आप ऑरेंज येलोइश टाइप में लिखा हुआ आ रहा है R15 और यहाँ पे वर्जन 4। और कुछ इस तरीके का इसका साइड पैनल का डिज़ाइन रहने वाला है। गाइस नीचे हमें यामाहा लिखा हुआ आता है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे बात कर जाएगा इस बाइक के फ्यूल टैंक की, तो कुछ इस तरीके का हमें इसके अंदर फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यामाहा का स्मार्ट कनेक्ट दिया गया है और यहाँ पे इसका हमें फ्यूलेट दिया गया है। और नीचे यहाँ पे हमें E20 के बैचिंग भी देखने को मिलते हैं। इस बाइक में गाइस हमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है, जो आपको इजीली 45 to 50 kmpl का माइलेज दे देता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमें यामाहा का लोगो दिया गया है 3D में। बात करें बाइक की सीट की, तो इसके अंदर हमें स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी कंफर्टेबल ये सीट रहने वाला है और काफ़ी अग्रेसिव आपका यहाँ पे राइडिंग पोस्चर रहने वाला है। और यहाँ पे हमें पिलियन राइडर का भी सीट दिया गया है, जो कि पहले की तरह ही है ठीक ठाक। और यहाँ पे हमें सीट ओपनर एक दिया गया है। साइड पैनल पे देखें तो गाइस यहाँ पे हमें VVA वेरिएबल वर्ब एक्चुएशन का स्टिकरिंग देखने को मिलता है। नीचे गाइस यहाँ पे हमें राइडर फुटप्रेस और पिलियन फुटप्रेस दोनों एल्युमिनियम में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हमें इसका ब्रेक लीवर देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से गाइस इसका एग्जॉस्ट रहने वाला है, पुराना वाला है। मैं वीडियो में आगे आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा। और गाइस बात करें बाइक के रियर टायर की, तो रियर में गाइस हमें 114/70 इंचेस के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। साथ ही में गाइस के अंदर हमें 220 mm का डिस्क साइज देखने को मिलता है विथ ABS। और कुछ इस तरीके का हमें इसका अंदर हमें टायर हगर देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे हमें एक छोटा सा मड फ्लैप भी दिया गया है। गाइस बात कर जाए बाइक की रियर प्रोफाइल से, तो रियर में हमें यहाँ पे LED में टेल लैम्प देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का इसका मडगार्ड का डिज़ाइन दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे हमें हेलोजन में इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें नंबर प्लेट की लाइटिंग में देखने को मिलती है रिफ्लेक्टर और विथ रिफ्लेक्टर्स। और यहाँ पे हमें दोनों साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। गाइस बात करी जाए बाइक की लेफ़्ट प्रोफाइल से, तो लेफ़्ट से कुछ इस तरीके की लगने वाली है हमारी बाइक। आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस लेफ़्ट में हमें सारी गार्ड दिया गया है। साथ ही में गाइस इसके अंदर हमें ओपन चेन सेट देखने को मिलता है, जो कि आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। और इसके अंदर गाइस हमें एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। और गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बेस वेरिएंट है, तो इसके अंदर हमें क्विक शिफ्टर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें नॉर्मल गियर देखने को मिलता है। साथ ही में गाइस यहाँ पे हमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसका कूलेंट देखने को मिल जाता है। इस बाइक के अंदर गाइस हमें डुअल हॉर्न का सेटअप देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो हॉर्न लगे हुए हैं और यहाँ पे हमें इसका रेडिएटर देखने को मिलता है। गाइस बात करें बाइक के हैंडल बार की तो इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके के क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो राइट लेफ्ट में हमें यहाँ पे स्लीपर असिस्ट क्लच देखने को मिलता है और यहाँ पे पास लोबिंग हाइविंग का बटन दिया गया है। नीचे हमें टर्न इंडिकेटर्स का बटन मिलता है और नीचे यहाँ पे हम हॉर्न का बटन देखने को मिलता है। मैं आपको इसका हॉर्न बजा के सुना देता हूँ तो कुछ इस तरीके का गाइस हमें यहाँ पे हॉर्न देखने को मिलता है। राइट में गाइज यहाँ पे हमें इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट का बटन एक ही में देखने को मिलता है। नीचे गाइज हमें हजार्ड ऑन ऑफ का बटन मिलता है और नीचे यहाँ पे हमें इन्फो और ट्रिप का बटन दिया गया है जिससे आप मीटर सेट कर सकते हैं। गाइज कुछ इस तरीके की मिलने वाली है हमें इस बाइक के अंदर जो यहाँ पे इंसर्ट होती है कुछ इस तरीके से। गाइज बात करें जब बाइक की इंजन स्पेसिफिकेशन की तो इस बाइक के अंदर हमें 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड क्यूल 4 स्ट्रोक 4 वोल्ट H2H इंजन देखने को मिलता है जो कि आपको मैक्स पावर 18.4 PS का प्रोड्यूस कराता है और इसके अंदर हमें मैक्स टॉर्क 14.2 Nm का देखने को मिलता है। तो गाइज आइए जानते हैं इस बाइक का हमें प्राइसिंग क्या पड़ने वाला है और यहाँ पर इसका शोरूम कहाँ पर है आरा में। तो पहले सबसे पहले भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुरारी तिवारी पड़ेगा। भैया का नाम मुरारी है गाइज़। और भैया आपका शोरूम कहाँ पे पड़ेगा आरा में? आरा चंदवा मोड़ पे दलपतपुर नगर। और भैया इसका हम ऑन रोड प्राइस क्या रहने वाला है? यहाँ पे आरा बक्सर मेन रोड पे है दलपतपुर चंदवा में और इसका मेन ऑन रोड प्राइस पड़ेगा 2,19,000। तो गाइज इसका ऑन रोड प्राइस आपको 2,19,000 रुपया पड़ेगा। और भैया इस पर कितना मिनिमम हम डाउन पेमेंट कर सकते हैं? अगर कम से कम डाउन पेमेंट में 50,000 पे कर्ज निकाल सकते हैं। अगर आपका ट्रांजैक्शन अच्छा रहा तो 30-40 पे भी होगा। तो गाइज़ आपके वो क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। आप मिनिमम यहाँ पे 50,000 तक का डाउन पेमेंट करके इस बाइक को इजीली घर ले जा सकते हैं। और कितने मंथ तक का यहाँ पे EMI रहता है? 2 साल 3 साल 36 महीना। गाइज़ लास्ट आपको 36 महीने तक का इस बाइक पर EMI देखने को मिलता है। ओके थैंक यू। तो गाइज़ मैं आपको शोरूम का एक बार पूरा वॉक अराउंड दे रहा हूँ। आपको यामाहा वगैरह कोई भी बाइक लेना हो तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। आप देख सकते हो एंटर करते हैं कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मिलेगा इसका। और यहाँ पे हमें एक सेल्समैन है राजेश भैया, आप इनसे भी मिल सकते हैं। और गाइज़ यहाँ पर हमें आगे काउंटर देखने को मिला है, जो आपको डाउट या क्वेरीज वगैरह होगा तो आप यहाँ से आके भी सॉल्व कर सकते हैं। और इस चलो राइट सेक्शन में भी चलते हैं। राइट में गाइज आपको यहाँ पे देख सकते हो एक R15 लगी हुई है और गाइज यहाँ पे आपको यामाहा के जैकेट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाते हैं और सारे स्कूटीज़ वगैरह भी यहाँ पे हमें मिलते हैं। और काफ़ी अच्छा गाइज यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराया जाता है कस्टमर को। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे हेलमेट भी देखने को मिलते हैं अच्छी क्वालिटी के। आप चाहो तो यहाँ से हेलमेट भी बाय कर सकते हो। और देख सकते हो क्या प्यारे प्यारे यहाँ पे हमें लेडीज़ के लिए स्कूटीज़ भी लगी हुई है यहाँ पे हमें। और यहाँ पे गाइज हमें मुरारी तिवारी भैया भी मिल जाएंगे, इनसे भी आप कुछ क्वेरीज होगा तो आप पूछ सकते हैं आके यहाँ पे। और आप यहाँ पे यामाहा का देख सकते हो स्टिकर वगैरह भी देखने को मिलता है और भी सारे यहाँ पे यामाहा के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इस शोरूम पे। आपको देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमें यामाहा का एरोक्स लगा हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। तो गाइज होप करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो अब इस वीडियो करते हैं पेंट। ओके देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।